अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी और सारा। तो आज जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि कम से कम पैसों में जो है ना अपने रूम में डेकोरेशन के लिए, ठीक है, डेकोरेशन आइडियाज़। तो आज जो मेरा मैं ये पार्सल अनपैक करने वाली हूँ, बेसिकली मुझे अपने रूम के कॉर्नर में एक टेबल चाहिए था और वॉल के लिए कुछ डेकोरेशन आइडियाज़ चाहिए थे। तो मुझे सबसे बेस्ट जो चीप वे लगा वो दराज़ है। चलें पहले ही अनपैक करते हैं। जी तो अनपैक करते हैं और मुझे थोड़ा सा पैकिंग में इशू आ रहा था। ये देखे ना, थोड़ी सी पैकिंग डैमेज है, तो एहतियात किया करें। सेलर्स को चाहिए कि थोड़ा पैकिंग जो है ना वो नफासत से किया करें, क्योंकि बाद में फिर कस्टमर को सबसे ज़्यादा इश्यूज़ पैकिंग की वजह से ही आते हैं। अक्सर तो लोगों की चीज़ें जो है ना उन्हें टूटी हुई रसीव होती है। खैर, मेरा तो टेबल था, मुझे कोई इतना घबराहट नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने ये चीज़ नोट की है कि जब वो देने के लिए डिलीवरी बॉय आया है तो उसने वो पार्सल गाड़ी में उठा उठा के इधर उधर फेंक रहा था। तो मैं देख रही थी कि मतलब कोई इसको एहतियात नहीं कर रही है। ये है मेरे टेबल का टॉप, ठीक है। मैंने बेसिकली येलो टॉप और ब्लैक लेग्स के साथ मंगवाया था, तो ये बेसिकली टॉप था। फिनिशिंग माशाल्लाह बहुत प्यारी है, आप देख सकते हैं जैसे कि कितनी शाइन कर रहा है टेबल का टॉप, तो खुशी हुई देख कर, वेरी नाइस। ठीक है, चले अब अनपैक करने के बाद इसे हम जो है वो प्रॉपर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इंस्टॉल कर फिर मैं आपको जहाँ मैंने इसकी डेकोरेशन की है, जहाँ पर मैंने इसे प्लेस किया है, और मैं वो दिखाऊंगी। और इसके बाद मैं ये भी बताऊंगी आपको कि मैंने इसके ऊपर रखने के लिए भी कुछ चीज़ें ऑनलाइन नहीं परचेज़ की। खैर, वो तो मैंने कल जाकर खुद बाज़ार से खुद परचेज़ की, क्योंकि ऑनलाइन मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी जो इसके ऊपर रखने के लिए ना मुनासिब हो। मतलब वाज़ मैंने देखे वो प्लास्टिक के आ रहे थे, चीप थे, लेकिन वो प्यारे नहीं लग रहे थे ना इतना, मतलब जितने अट्रैक्टिव होने चाहिए। अच्छा, ये तीन लेग्स इसके साथ आई थी। सॉरी, मुझे थोड़ा सा फ्लू है, इस वजह से मेरी थोड़ी आवाज़ ऐसे हो रही होगी। नहीं जी, तो ये थोड़ी सी डैमेज थी यहाँ से लेग, लेकिन कोई इशू नहीं है, शुक्र है सही सलामत पार्सल आ गया। क्योंकि मैंने इस पेज पे रिव्यूज़ चेक किए थे तो एक से दो लोगों ने ऐसे कमेंट किया हुआ था कि हमें जो है पार्सल में लेग जो है ना वो टूटी हुई रिसीव हुई है। तो मैं बड़ी दुआएं करी थी कि या अल्लाह मेरे साथ ऐसा ना हो बिल्कुल भी, ठीक है, मुझे सही सलामत चीज़ मेरी रिसीव हो जाए। क्योंकि इंसान जब पैसे लगा रहा होता है ना, वो मेहनत ये, तो उसे बड़ा दुख होता है फिर अगर कोई चीज़ इस तरह दराज से डैमेज रिसीव हो जाए। फाइनली मैंने इसे अनपैक कर लिया, अब हम इसे इंस्टॉल करते हैं। इसके टॉप में जो है ना वो स्क्रू के साथ ये लेग्स को फिट करना है। तो आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है, कोई और आइडिया भी हो सकता था वैसे, अगर इन्हें लेग्स कोई अटैच करने का कोई और आइडिया भी होना चाहिए, क्योंकि दो लेग्स इंस्टॉल हो गई थी, तो तीसरी जो है ना वो थोड़ी सी इशू कर रही थी, उसमें उसका स्क्रू जो है वो लूज़ था। खैर, फिर भी मैंने कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लिया था, तो तीसरी लेग को जो है ना वो मैं आपको बताती हूँ आगे मैंने किस तरह उसे फ़िक्स किया। ये थोड़ा सा इसके ना होल्स थोड़े से थे, लकड़ी फंसी हुई थी उनमें, मैंने सोचा पहले उन्हें क्लियर कर लूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा तंग कर रहा था, मैंने सोचा इसे बाद में करती हूँ, ठीक है, पहले हम दूसरे दो को एडजस्ट कर लेते हैं। ये दाग थोड़े से नज़र आ रहे होंगे, ये खैर बैक साइड थी टेबल की, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं था। हाँ, ये है, इस पर थोड़ा सा ज़ोर लग रहा था, जाहिर सी बात है कि ये जो है ना वो लड़कों वाले काम होते हैं, लड़कियों को करने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये थोड़ी सी डैमेज थी, मैंने आपको पहले भी दिखाई है, तो खैर कर लेंगे हम इंस्टॉल, फिर भी कोई इशू नहीं है। थोड़ा ज़ोर लगाते हैं, ज़ोर लगा के आयशा अच्छा जी, ये मैंने करी हूँ मैं इसको इंस्टॉल। तो मैंने इसके अलावा भी एक देखा था टेबल, वो वाइट टॉप और ब्लैक लेग्स के साथ था और ब्राउन लेग्स के साथ भी था, पर मुझे कुछ यूनिक
कलर चाहिए था, क्योंकि मेरे पास वाइट टेबल ऑलरेडी है, ठीक है, ब्राउन टेबल भी ऑलरेडी था, तो इसलिए मेरी नज़र सर्च करते हुए इस पर पड़ी, तो मुझे मुझे लगा कि शायद मुझे यही लेना चाहिए, ठीक है, तो मैंने इस वजह से इसी को ऑर्डर किया था। ये एक लेग मैंने फिक्स कर लिया, ठीक है, अब इसकी दूसरी लेग को फिक्स करते हैं। ये दाग पता नहीं किस चीज़ के हैं, ऑयल के हैं या आई डोंट नो क्या है, शायद ये पेंट करते हुए इसके टॉप को उनसे लग गए होंगे। खैर कोई बात नहीं, जज़ाकअल्लाह, उन्होंने अच्छी चीज़ भेजी थी, क्योंकि बजट आपको मैं इसकी प्राइस बताती चलूँ, ये 999 में ये मुझे टेबल मिला है ऑनलाइन दराज से, ठीक है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कर लिए ही जो है वो अप्रिसिएशन होती है किसी भी व्लॉगर के लिए कि आप उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसकी वीडियो लाइक कर दें और कमेंट कर दें, इससे ही इंसान खुश हो जाता है, ठीक है। ये जो है ना, ये लेग थोड़ी सी लूज़ थी तो मैंने सोचा इसे बाद में फ़िक्स करती हूँ, और तीसरी वाली फिर हम जो है ना वो कर लेते हैं। जो वो लूज़ थी उसका मैंने ये किया था कि उसको मैंने धागा उसके ऊपर लपेट दिया था, जैसे हम अक्सर देख रहे होते हैं कि कोई भी जब ये प्लम्बर वगैरह वॉल लगा रहे होते हैं, तो अगर वो उसका बोल्ट अगर लूज़ हो जाए तो उसके ऊपर धागा लगा देते हैं, जिससे ये होता है कि थोड़ा वो टाइट हो जाता है जब हम उसे यूज़ करते हैं लगाते हुए। तो मैंने धागा लगाया था तो काफ़ी हद तक जो है ना वो उसे टेबल को सपोर्ट करने में आसानी हो गई थी। ये भी थोड़ा सा जो है वो रफ था, मुझे इसको भी करने में थोड़ी सी हो रही थी परेशानी, लेकिन हो गया था फाइनली। ये हमारा अब टेबल रेडी है। तो मैंने तीसरी जो लेग है इसको ओपन करके इसमें पॉली बैग एडजस्ट करके उसे फिट करने की दोबारा कोशिश की है, लेकिन मेरा ख्याल यही था पहले, मैं धागे वाला आइडिया मुझे बहुत बाद में आया था। तो ये देखिए ना कितनी लूज़ है, ये तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी टेबल को, टेबल के ऊपर कुछ भी रखा धड़ाम नीचे गिरेगा। तो मुझे आइडिया आया, मैंने सोचा पहले मैं जो है ना इसके अंदर कोई पॉली बैग एडजस्ट करके, जैसे हम पाकिस्तानियों का जो है ना वो पुराना ही जुगाड़ू है हम तो शुरू से ही, ठीक है, मैंने यही सोचा इसे पॉली बैग के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, मे बी मैंने सोचा हो जाए, ठीक है। मैं काफ़ी देर जो है ना वो 2-4 मिनट लगी रही हूँ इस पर, लेकिन वो पॉली बैग से भी होने का नाम नहीं ले रहा था। बहुत कोशिशों के बाद भी फेल, देखा ये कितना लूज़ है, नहीं मुश्किल है ये तो, मुश्किल है क्या किया जाए। धागा फिर मैंने जो है वो लिया, धागे से मैंने फाइनली इसको कर दिया है। अभी मज़बूत है काफ़ी हद तक, इसे सहारे की ज़रूरत नहीं है किसी और चीज़ की, ठीक है, अब काफ़ी बेहतर है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ इसे कि ये अब फाइनल लुक इसका क्या आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया ये रेडी, ये देखें ये फिनिशिंग इसकी अच्छी आ रही है, टॉप बहुत अच्छा है माशाल्लाह, नाइस। ये वो कॉर्नर है जहाँ पे मैंने प्लेस किया, और मैं एंड में आपको जो है ना वो इसकी तस्वीर भी दे दूँगी, मैंने इसके ऊपर जो गमला डेकोरेशन किया है, ठीक है। ये एक वॉल आइडिया था कि मैंने अपने मिरर के साथ जो है ना बिल्कुल ये दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किया है, और उसे मैंने डबल जो होती है टेप उससे एडजस्ट किया है, ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। ये वो इसके लिए मैंने जो वाज लिया था बेसिकली, ये इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी लाइटिंग लगाती थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तीसरा चौथा आइडिया ये था, ये दीवार पे आप लगा सकते, दीवार के लिए मैंने दराज ऑर्डर किया था 650 का, आई थिंक सो 600 का ये पड़ा मुझे, और ये भी डबल टेप से हो रहा था एडजस्ट माशाल्लाह। और ये लास्ट आइडिया ये था, आप किसी भी फ़ोटोशॉप से जो है ना वो, किसी भी फ़ोटो स्टूडियो से जो है ना वो आप इस तरह अपने पिक्चर्स निकलवा कर एक वॉल पर डेकोरेशन कर सकते हैं,
वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू, जजाकला।